नमस्कार। बोकारो के चास में प्रभात कॉलोनी स्थित बीते दिन हुई आवास में चोरी मामले का उद्भेदन करते हुए चास थाने के पुलिस ने सूरज कुमार और अंकित कुमार नामक दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसे चास जेल भेज दिया गया। वहीं पुलिस ने बताया कि चोरी कांड में अभियुक्त अन्य तीन लोग अभी गिरफ्त से बाहर हैं, जिससे जल्द ही पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। पुलिस के द्वारा पूछताछ पर गिरफ्तार चोरों ने के निशानदेही पर चोरी की गई जेवरात सहित अन्य सामानों को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है, जिसका मूल्य लगभग 11 लाख बताया जा रहा है। चास थाना प्रभारी अमिताभ राय ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त मकान का मालिक छठ पर्व में बिहार के पटना अपने गाँव गए हुए थे। उसी दौरान 28-29 नवंबर की रात चोरी की घटना घटी और इसकी जानकारी जब मकान मालिक को मिली तो उन्होंने थाने में चोरी का मामला दर्ज कराया था, जिस पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए पास में ही दुकान पर सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया, जिससे चोरी कांड में शामिल चोरों की पहचान की गई थी। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और क्या कहते हैं इस घटना पर थाना प्रभारी अमिताभ राय। सर, आज ये चोरी की सामान बरामद हुआ है, चोर है कहाँ के? घटना विक्रम सिंह के घर पे घटा है। वो छठ के लिए पटना गए हुए थे 18 तारीख को और 29 के नवंबर को के रात्रि में, मतलब 28-29 के रात्रि में उनके घर में कुल 5 लोग घुसे। घुस के गेट का मेन गेट का दरवाज़ा तोड़कर चोरी किए, जिसमें लगभग 8-10 लाख का गोल्ड है, चांदी है, उसमें से कुछ सामान की रिकवरी की गई है और चोर की पहचान की गई है सीसीटीवी फुटेज के द्वारा। अभी 3 फिरार है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो गई है, उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। बाकी 2 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। कहाँ के हैं सर ये चोर? कहाँ के ये चोर जो हैं, सूरज कुमार हैं, वो चंद्रा टॉकी के पास यहीं बगल में रहते हैं और अंकित कुमार आदर्श कॉलोनी के हैं। क्या पूर्व में भी इतिहास है सर इन लोगों का चोरी? हाँ, पूर्व में भी इतिहास है, जेल गए हैं ये, मगर ये जेल नहीं गया, अंकित जेल नहीं गया, ये उसका पहला केस है। और भी सर जो भी सदस्य हैं उनकी गिरफ्तारी? इसमें एक केस और है जो इधर हुआ था भोजपुर कॉलोनी में, उसमें भी किसान लिप्ता पाई गई है। अब उसके पकड़ाने के बाद ये आगे पता चलेगा कैसे कैसे क्या। सर, चास थाना क्षेत्र में आए दिन जो चोरी की घटना घट रही है, कितना ये चुनौतीपूर्ण है सर पुलिस प्रशासन के लिए? कुछ नहीं चुनौतीपूर्ण है, चोर का काम है चोरी करना, मेरा काम है डिटेक्शन करना।